1984 भारतीय फौज वालों श्री दरबार साहब विच कीते गए साका नीला तारा दी याद विच घल्लूघारा दिवस पूरी दुनिया दे विच सिख कौम वालों बड़ी श्रद्धा दे नाल मनाया जा रहा है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख कौम के चौथे तख्त तख्त श्री दमदमा साहब विखे भी घल्लूघारा दिवस मनाया गया, जिथे वड्डी गिणती विच संगतां नतमस्तक होईयां ने। तख्त साहब के इतिहासिक गुरद्वारा साहब दमदमा साहब विखे 3 दिन तो प्रकाश की गई सी। श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। संगतां ने वड्डी गिणती विच गुरु घर हाजरी लवा के शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। तख्त साहब के हजूरी रागी भाई नरभै सिंह के जत्थे ने कीर्तन सरवण किया, हैड ग्रंथी भाई फूला सिंह वल अरदास भी की गई। भाई फूला सिंह जी ने संगतां नूं घल्लूघारा दिवस संबंधी विस्थार पूर्वक जानकारी भी दी है। की कहना सिंह साहब का, आओ सुनते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जून 1984 के अंदर जो सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे समय की जालम सरकार वालों टैंकां तोपां दे नाल हमले किए गए, बेअंत सिंह सिंघणियां बच्चे शहादत जाम पी गए ने, और संत जरनैल सिंह जी पिंडरांवाले, भाई ठारा सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी, जनरल सवेग सिंह जी वर्गे महान सूरवीर योधिया ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी की बेअदबी नूं ना सहारदिया होया उस दे और मर्यादा नूं बहाल रखण दे लई अपनियां जानां तक हूल दित्तियां ने, शहादत दे जाम पी गए ने, और उन्हां समूह सिंह सिंघणियां बच्चियां दी शहादत नूं ताज़ा करदियां होया जून 84 दे इस घल्लूघारे नूं मनाउंदियां होया तख्त श्री दमदमा साहिब वालों समूह संगतां दे सहयोग दे नाल परसों रोज़ तो धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ किए गए सन, जो अज बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल अखंड पाठ साहिब जी की संपन्नता हुई है, भोग पाए गए। उपरंत दीवान सजे दीवाना दे अंदर तख्त श्री दमदमा साहिब जी दे हजूरी रागी जथे ने कीर्तन राही संगतां नूं निहाल किया, गुरु चरणा विच अरदास बेनती की, गुरमत विचारा हुईयां। खालसा जीओ, वड्डी गिणती दे विच सिख संगतां ने गुरद्वारा दमदमा साहिब विखे तलवंडी साबो विखे हाजरियां भरियां, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं नतमस्तक होए ने, ते जून 84 दे समूह शहीदां नूं प्रणाम किया है। और खालसा जीओ, आओ आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ लगीए, कलगीधर पिता दे पुत्र धियां बणीए, अपने विरसे दी पहचान करिए, होईयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।